सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े गठबंधन प्रत्याशी विनोद जायसवाल। उन्हीं तो उनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। आइए आपको विस्तार से बता दे, देवरिया सदर सीट के भाजपा प्रत्याशी विनोद जायसवाल करोड़पति हैं। उनके पास 2.49 लाख करोड़ रुपए की अचल और 14 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। और असला के शौकीन विनोद जायसवाल के पास एक राइफल और पिस्टल है। 56 वर्षीय विनोद इंटर पास है और मंगलवार को नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल शपथ पत्र में विनोद ने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। इसके अनुसार विनोद के पास 4.73 लाख रुपए के नगद और 85 लाख रुपए के बैंक खाते में जमा है। खास बात यह है कि करोड़पति होने के बाद ही उनके पास कोई वाहन नहीं है। वह 240 ग्राम सोने का भी स्वामी है, जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए है। उनकी पत्नी के पास भी 85 लाख रुपए की चल संपत्ति, इसमें 1.95 लाख रुपए की नगद और 3.89 लाख रुपए की कीमत का और 122 ग्राम सोना है। उनके बैंक खाते में 23 लाख रुपए जमा है और विनोद की 14 करोड़ की अचल संपत्ति में 4.81 एकड़ कृषि और पटना में 24,000 वर्ग गैर कृषि भूमि है। पटना की ही सेक्टर 45 में लाजपत नगर फेजर रोड पर 8,351 वर्ग फीट की व्यवसायिक भवन है। इसके अलावा कमुदवा पटना में 1,240 वर्ग फीट की आवासीय भवन है। इसी स्थान पर पत्नी के नाम पर भी इतने क्षेत्रफल में आवासीय भवन है। इस तरह से आप जान चुके होंगे कि देवरिया के भाजपा और सपा गठबंधन सांसद विनोद जायसवाल के पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने 23 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र जारी किया था, जो आपके बी न्यूज पे आप देख सकते हैं। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।